हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इसी में बात करने वाले हैं बजाज सिटी 100 के बारे में। इस गाड़ी में दोस्तों करंट नहीं आ रहा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, और इस गाड़ी में अगर करंट नहीं आ रहा है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि आपकी गाड़ी का क्या चीज़ ख़राब है। तो आइए आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि इसमें करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। मैं आपको किक मार कर चेक करवा दे रहा हूँ। ये देखिए, इसमें करंट नहीं आ रहा है इस गाड़ी में। तो अभी हम इसका चाबी स्विच भी हम डायरेक्ट कर देते हैं। मतलब डायरेक्ट का मतलब आप डायरेक्ट सॉकेट को अलग कर देंगे तो ये डायरेक्ट हो जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसका सॉकेट अलग कर दिया और फिर भी इसमें करंट नहीं आ रहा है। मतलब चाबी स्विच से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। अभी हम इसका मैग्नेट कॉइल चेक करेंगे कि मैग्नेट कॉइल इसका बराबर है कि नहीं। तो ये देखिए कपलर इसका मैग्नेट कॉइल का। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा सके क्या एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो ये देखिए, हमने रेड वाले पे लगा दिया है और ग्राउंड में भी लगा दिया है। ये देखिए, जब आप रेड पर लगा रहे थे, देखिए इसका जो 250 आपको रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 250 दिखा रहा है। रेड वाले कपलर पर आपको लगाना है, जो रेड वाला वायर है उस पर लगाने के बाद जो आपका स्टार्टिंग कॉइल है वो अगर 250 दिखा रहा है या 280 दिखा रहा है तो ये आप समझ जाइए कि वो ख़राब हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, 300 भी रीडिंग आपका शो होता है रेजिस्टेंस का। तो आप इस चीज़ को कंफर्म कैसे करें कि आपका कॉइल ही ख़राब है? तो आप एक वायर ले लीजिए और रेड कपलर में लगाइए। रेड जो वायर है स्टार्टिंग कॉइल का, उसमें लगा कर आप बॉडी पर उसे, ये देखिए किक मारकर आप चेक कीजिए कि आपका करंट आ रहा है क्या। हल्का फुल्का भी करंट आएगा तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, समटाइम हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमारे कॉइल का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर दिखाता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बराबर दिखाता है और उसका रीडिंग चेंज होते रहता है, 280, 300, 320 कुछ ऐसा होते रहता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि कुछ ऐसा होता है तो आपको करंट को कंफर्म कर लेना है कि आपका करंट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक वायर लेकर आप बॉडी पर टच कीजिए तो आपका पता चल जाएगा कि आपका करंट आ रहा है कि नहीं किक मारने के बाद में। और अगर आता है करंट तो आप ये समझ जाइए कि कॉइल बराबर है, और अगर हल्का फुल्का आ रहा है तो आप उसे चेंज ही कर दीजिए। और रीडिंग आपका रेजिस्टेंस अगर कम दिखा रहा है तो आप उसे चेंज कर दीजिए तो आपका करंट प्रॉपर हो जाएगा दोस्तों। तो हमने इसका स्टार्टिंग कॉइल चेंज कर दिया और हमारा जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों सॉल्व हो गया। तो आप लोगों को दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कीप स्माइल ऑलवेज, बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।